नमस्कार, आप देख रहे हैं बी भारत और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। प्रदेश में जहां एक तरफ बाबा का बुलडोजर भूमाफियाओं पर गरज रहा है, तो वहीं बहराइच के ख्वाजगीपुर में पुलिस की मौजूदगी में दबंगों द्वारा भूमि कब्जाधारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़िता ने अपने बयान में स्थानीय पुलिस पर दबंगों से मिली भगत कर भूमि कब्जा करवाने का आरोप लगाया है। सूबे की सरकार भूमाफियाओं पर हर रोज कार्रवाई करके अपनी पीठ थपथपाने में जुटी है, तो वहीं बहराइच में जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में उछाल सा आ गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरह भूमाफिया हाथ में लाठी डंडे लिए ट्रैक्टर से जबरिया भूमि कब्जा कर रही हैं। विरोध करने पर महिला को बुरी तरह मारा पीटा है। महिला मौके पर बेहोश हो गई, जिसे दबंगों के घर की महिलाओं ने निर्जीव पुतले की तरह टांग कर फेंक दिया। थाना फकरपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम ख्वाजगीपुर की मंजू देवी की पैतृक भूमि पर दबंग बहुत दिनों से कब्जे के प्रयास में थे और कई बार आपसी विवाद भी हुआ। साथ ही मंजू देवी ने विवादित भूमि पर सिविल सूट भी योजित कर रखा है, फिर भी दबंग हथियार बंद गिरोह बनाकर कानून को ताक पर रखकर भूमि कब्जाने लगे। विरोध करने पर भू स्वामी ने मंजू देवी को पीटा। घटना स्थल के समीप छत से बच्चों ने पूरी घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वीडियो में साफ तौर पर मौके पर पुलिस के लोग खड़े दिख रहे हैं। पुलिस की मौजूदगी में घटित घटना के बारे में जानकारी हेतु थाना प्रभारी फकरपुर को फोन किया गया, तो उनका फोन नहीं उठा। पीड़ित ने स्थानीय थाना सहित SP मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई, परंतु कहीं कोई सुनवाई अब तक नहीं हुई। क्या नाम है? हमारा नाम मंजू देवी। कहाँ रहती? ख्वाजगीपुर में। क्या समस्या? हमारा समस्या है, हमारे मोहारे की जमीन थी, वो पवन और निर्मल विश्राम ख्वाजगी बिजौवा के रहने वाले, वो हम 150 आदमी लाकर हमारा जमीन कब्जा कर लिया। लाठी सोटा बंदूक तक हमारे यहाँ पर लाए थे, हमको मारा पीटा, हमारे बच्चों को भी मारा पीटा। अब पुलिस आई तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं थी और उसके सामने हमारी ज़मीन पर कब्जा हुआ। जब थाने गए तो हमारी कोई सुनवाई वहाँ पर नहीं हुई। फाइल लेकर उसने कहा जाओ हम देख लेंगे, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, हमारी ज़मीन कब्जा हो गई। अब क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारी ज़मीन हमें मिल जाए, हमारा मुकदमा लिखा जाए और हमारी ज़मीन हमको वापस मिले। खाली करवाए आके पुलिस लोग खड़े होकर हमको मारा पीटा, ना हमारी डाक्टरी करवाई। वहाँ पर गए तो वो कह रहे हैं कि जाओ, जब तुम्हारी ज़मीन नहीं मिलेगी तो हम आकर तुम्हारी डाक्टरी करवा लेंगे और डॉक्टर करवा के उसके बाद में हम मुकदमा उनके पर दायर करेंगे। उसके कोई कार्रवाई नहीं किया, उसके इतना कहकर मुझको भेज दिया घर। मेरा नाम अरुण कुमार मिश्रा है, मैं ख्वाजगीपुर में रहता हूं। हमारे घर के सामने हमारी ज़मीन को पवन कुमार ने अपने साथियों के साथ लाठी डंडा असलहा लेकर आए और हमारे घर पर हमला बोल दिया। हमको और हमारी पत्नी को मारा और पीटा जमकर लाठी डंडे से और हमारी ज़मीन कब्जा कर लिया। मैं और मेरी पत्नी थाने पर गए, वहाँ पुलिस ने भगा दिया। SP के पास और मुख्यमंत्री जी के पास ऑनलाइन कराया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं योगी जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि हमारी जमीन से कब्जा हटवाया जाए। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बी भारत। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बी भारत को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।